सो हम सब अंदर मिलने गए थे, हम सबको ना बाहर भगा दिया है। खाने पीने को देते क्या डॉक्टर? हॉस्पिटल का ही खाना आता है। पबजी वाले स्पेशल खास लोकल लीड लगा के खेलते हैं, सुधर जाओ। करण पग बांध रहा, आई होप शायद बन ही गई है अभी। हो गया मसला, ये सेट कर रहा हूँ, चल फटाफट कर ले। सो आज का हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं मम्मी से मिलने। मम्मी का जो ऑपरेशन था वो हो गया सक्सेसफुल। तो मतलब अभी तो मतलब ऐसा है कि हफ्ता 10 दिन मम्मी को बोला है डॉक्टरों ने कि वहीं पे रेस्ट करना है जब तक टांग के स्टिचेस वगैरह रिमूव नहीं करते। सो अभी चलते हैं मम्मी से मिलने और एंड ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। मेरे को भी जावे वो माजा पी रहा है माजा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप आप सब बढ़िया होगे, बढ़िया ही रहना। सो बस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और निकलते हैं फटाफट हॉस्पिटल के लिए। पापा भी रेडी है और करण भी रेडी है, सब तीनों रेडी है और निकल रहे हैं और तिलपिंग करके जाएंगे। और धूप आज बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। खतरनाक, मैं देखो आपको स्पेशल छत पे धूप दिखाने आया था। ये भी अपना ब्लॉग बना रहा है और वो बंदे देखो बंदे ना हमें झाँक रहे हैं बड़ी देर से। आप एक ब्लॉग बनाते जब भी ब्लॉग बनाओ बंदे हमको देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों। पहली बार बंदे देख रहे हैं क्या ब्लॉगिंग करते हुए। सो चलते हैं, बस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। इतनी खड़े हैं बाइक के साथ ऊपर आए जल्दी है जल्दी। सो लेट्स गो। बाय बाय। अरे चालू होते ही बंद हो गई, तुझे पगड़ी ला रहा है मेरी। अरे पता है ये देखो, इसके पगड़ी है 5.5 मीटर की, मेरा पढ़ना 5.5 मीटर का। देख रहे हो फर्क, देख रहे हो मेरी खोपड़ी का। इसकी खोपड़ी बड़ी है, बड़ी है, दिमाग ज़्यादा है मेरे अंदर। दिमाग कम है, खोपड़ी बड़ी है। नहीं नहीं दिमाग तो घुटने में ही है, घुटने में तेरा है, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है तो इसका घुटने में दिया। नाला सबने ना कुछ खाया भी नहीं है अभी सुबह से, बस वो 2 ब्रेड खाई थी, वो भी इतनी सूखी सूखी थी, वो कुछ ही नहीं। चाय के साथ भी चाहे पापा का तो बुरा हाल हो रहा है। तो मम्मी के बिना भी ज़िंदगी हराम ही है। रस्सी आ रही है, रस्सी। मम्मी के बिना भी ज़िंदगी हराम ही है। और ये लोग हमें ना रस्ते में पता नहीं क्यों देखते रहते हैं, वो अभी एक घंटी का ही वो देख रही थी, बड़ी बात है। पता है ना अभी इसमें क्रेट में बैठा हुआ क्रेट क्रेट झापड़ दो नीचे से। सो गर्मी बहुत ज़्यादा, वो अंकल कहाँ गुजरे, ये वाले अंकल झापड़ से गुजरे। ओ गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसा कि हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो पापा ढूंढ रहे हैं, मतलब पापा के हम भी ढूंढ रहे हैं नान की रेडी, कोई नान का ठेला पहले मिल जाए जिससे 2-3 नान अंदर जाए हमारे शरीर में जाना है। तो ढूंढ ही रहे हैं तो फिर खाते पीते सीधा निकल जाएंगे हॉस्पिटल को। जोमेटो वाले भैया जा रहे हैं, क्या कह रहे हो? पूरी आलू का लगता है, बच्चों को पैसे मिलते हैं पता क्या चलेगा। तू बहुत ज़्यादा गर्मी यार, बार बार तो यही बोलो पता नहीं क्यों लग रही है मेरे को गर्मी। गाड़ी देख रही है वाली फॉर्चुनर, फॉर्चुनर वाले अंदर कुछ ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं, बताओ क्या भी पहले फरारी निकाल लो, फरारी निकाल लिया अगर अपनी फालतू बोलेंगे तो। एक रेडी मिली है मैं रास्ते में, तो इसी में देखते हैं क्या मिलता है खाने का, वही खा लेंगे। पापा ने कुछ ये मंगवाया दाल है और ये पनीर या खाते हैं फिर मिलते हैं। अपना खाना पीना पूरा हो चुका है, खाना पीना क्या एक एक वो खाया क्या नान, क्योंकि ज़्यादा स्वाद नहीं था। तो वहीं पे जाके कुछ देखते हैं, वहाँ कुछ बढ़िया सा मिल जाए।
यहाँ मैंने पेट भरने लायक खा लिया है, बाकी करण पानी पी रहा है और पापा भी बस तैयार ही हो रहे हैं, तैयार क्या पानी पी रहे हैं। सो बस निकलते हैं और बस यहाँ सीधा हॉस्पिटल जाके रुकेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप से चक्कर आ रहा है। धूप में जब से हम खा रहे तब से धूप में खड़ी है, लकड़ी वाली सीखी है हमारी। हाँ घर में पूरी घर सीख जाएगी तेरी, अब पहले तेरी सीखी। पानी डाला था और अब थोड़ी ठंडी हो गई, आप बैठने लायक है, चल बैठ जल्दी। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मानो गर्मी क्या बोल रहा हूँ, चल चल बैठ जल्दी बैठ। ये रुकना सीधा हॉस्पिटल जाके रुकना है, बच गए सीखी दी अब ना ना। हाँ अगर सीख जाती है, अगर हम डायरेक्ट बैठ जाते ना, हमने पहले थोड़ी ठंडी करी है पानी डाल के, सीख बच गई। काफ़ी देर बाद हॉस्पिटल आ गए और ऊपर जाके थोड़ी देर पंखे बैठेंगे, पापा कर रहे हैं गाड़ी खड़ी और ये अपना बना रहे सीन। सो चलते हैं ऊपर, लेट्स गो। सो हम सब अंदर मिलने गए थे, हम सबको ना बाहर भगा दिया है, पता देखो मम्मी की शक्ल देखो, अभी भी मरी मराई आ रही है, आँख सूज गई है मम्मी के ना, पहला पूरा मुँह सूज गया था। मरीज को देखने गए थे, मरीज को तो बाद में भगाया, पहले हमें भगाया था, उसके बाद मरीज को ही भगाया। पापा जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, सही मरीज की हालत दिखाई है, हमें तो भगा दिया, मरीज को ही भगा दिया, ये देख लीजिए। हाँ मैं क्या हाल चाल ठीक है, धन्यवाद तो नहीं होता तो मैंने आपको दिखाया था ना पहले वाले ब्लॉग में, आपने शक्ल देखी होगी, अब देखो कैसी होगी मरीजों जैसी। कुछ खाने पीने को देते क्या डॉक्टर? हॉस्पिटल का ही खाना आता है, हॉस्पिटल का खाना इतना बढ़िया नहीं होता। सो अभी हम थोड़ी देर बाद अंदर जाएंगे, करण तो यहीं पे रुकेगा और पापा और मैं जाएंगे। वो कहाँ है? देखो पापा वो बना रहे हैं अपनी नशे टाइट कर रहे हैं। सो सो बस अभी थोड़ी देर बाद अंदर जाएंगे। सो गाइस राइट टाइम हो रहा है, 4 बज गए हैं और पापा तो सो गए आराम से बेंच पे, पर हमने अभी ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। हाँ तो खाया नहीं, हम मतलब हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, तो हम अपनी बहन से बातें कर रहे हैं दोनों बड़ी देर से, हमें हो गया एक घंटा हो गया। देखो हेलो बोल, हेलो बोल। तो हम बस अब हम सोच रहे थे कुछ बाहर जाएंगे खाने पीने, भूख लग रही है ना? हाँ बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, भूख लग रही है हमें, दो दो भटूरे और मिल गए। देखो कैसी बहन है, कुछ पूछती भी नहीं है खाने के लिए, बुला भी कर रही है 110 किलोमीटर दूर, जैसे पास भी रखा है अभी 10। चलो चलो फोटो भेज रही है फोटो। तो फिलहाल अभी हम फिलहाल जाते हैं कुछ बाहर ढूंढ ढान के आते हैं, अगर कुछ मिल गया तो खा लेंगे। पापा सो गए, उनकी जेब में से पैसे निकाल के सीधा निकलते बाहर। जब ही हॉस्पिटल की चाय आई थी, चाय मतलब हॉस्पिटल की बढ़िया थी। हाँ हाँ तो चाय पी के हम थोड़ा टहल रहे हैं, बिस्कुट आया था पार्ले जी का, वो तो नहीं खाया, बस चाय वाय पी ली और पापा वो गाने सुन रहे हैं पीछे बैठे बैठे पुराने दुराने से। सो अभी बाहर जाके थोड़ा घूम के आते हैं, मगर धूप हो रही है, ये देखो बाहर धूप है। तो शाम को हम घर भी निकलना है और करण तो यहीं पर रुकेगा, जैसे कि मैंने बताया था मैं घर जाऊँगा, मैं आऊँगा 5 तारीख को दशहरा वाले दिन, यहाँ पे मेला लगा है सामने, तो मेले में घूमेंगे। ये दिखाता हूँ, देखो सामने झूले लग रहे हैं, ये शाम को स्टार्ट होते हैं, मगर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, शाम को मैं चले जाऊँगा घर, करण रुकेगा तो आपका मैं ब्लॉग भी बनाऊँगा, मेले का ब्लॉग बनाऊँगा, वो भी देखना। तो मैंने कहा वो लगे झूले वो रहे, वो ये चला रहा है चार्जिंग पे फ़ोन लगा के। हाँ भाई रात को रुकेगा? रुक तो जाऊँगा, लेकिन मेरा फ़ोन मेरे चार्ज नहीं करूँगा क्या? ये दूसरा फ़ोन है सिम में, इसके आइडिया की सिम है, इसका आएगा नहीं नेटवर्क यहाँ पे यार, एक तो नेटवर्क ही नहीं आते कोई और सिम के, बस जियो चलती है यहाँ पे। जियो बढ़िया है मगर इसकी बड़ा फ़ोन है, और इसमें आइडिया है, कोई फ़ायदा नहीं है इस फ़ोन का भी, मैंने बताया था पहले वाले ब्लॉग में भी। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये अपने टाइम पास कैसे कर गए, यहाँ पे तो बिल्कुल नेट ही नहीं चलता, बेचारा बिना फ़ोन है सब कुछ है
मगर नेट नहीं है, नेट नहीं है। देखें कुछ ना कुछ तो आप मम्मी के लिए इतने तो कर ही सकते हैं, मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। सही बात है। हाँ तो मैंने ना आपको कुछ कह रहा था, सो जैसे कई बंदे ना 24 घंटे भी मान लो 5-6 घंटे लगातार हेडफोन यूज़ करते हैं, लीड यूज़ करते हैं, अवॉइड करो थोड़ा बहुत। ईयरबड्स आगे नए नए टाइप के बेस वाले, तो वो अवॉइड करो, ज़्यादा मत लगाया करो। काम ज़्यादातर समर्स में होता है, कामों का क्या पता आपको भर्ती होना पड़ जाए, समझ रहे हो, तो इसलिए उसका इन सब चीज़ों का अवॉइड करो। नॉर्मल टीवी में देख लो दूर से बैठ के, उसमें भी आवाज़ आती है, फ़ोन से भी सही है, फ़ोन से भी आती है, पता नहीं क्यों ईयरबड्स लगाते हैं। बेस है ये ना कान को गुम कर देते हैं, पर्दे को डैमेज देते हैं, मतलब कान के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, तो अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, मत यूज़ करो, ज़्यादा कम कर दो बहुत। पबजी वाले स्पेशल खास लोकल लीड लगा के खेलते हैं, सुधर जाओ वरना कल परसों। यूट्यूबर है, यूट्यूबर तो चल महंगा वाला यूज़ करते हैं एक तरह से, ठीक है, मगर ये जो सस्ते वाले गेमर जो खेल रहे हैं, तो ये सस्ती सी लीड लगा के लगे रहते हैं 3-4 घंटा, मत करे करो, कोई प्रो नहीं बन जाओगे तुम खेल खेल के। सो अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, और अपने कान खुले रखो ज़्यादा से ज़्यादा, बंद मत करो। इसके भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, ये क्या करता था, हेडफोन लेके आए थे तो ये जब सो जाता यूज़ करता था, जब सो जाता था ना तब भी इसके कान पे हेडफोन रहते थे हम रात को। 2-3 बार हुआ था, मतलब गाने चलता चलता मैं भूख सो गया था, तो इसका कान ख़राब हो गया था, ख़राब नहीं मतलब ख़राब नहीं हुआ था, मतलब वो क्या प्रॉब्लम आ गई थी, दर्द होता था, तो इससे दवाई ववाई चलाई, महीना दवाई चली थी इसकी। सो बचो इन सब चीज़ों से, बिकॉज बड़ी नाजुक सी चीज़ है। आप मेरे फैमिली के मेम्बर हो, कई मेरे से बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सो उन सब के लिए है, बाकी बड़े तो समझदार हैं, छोटों के लिए ज़्यादा स्पेशल है, मत करा करो। छोटों को हेलो नहीं मत यूज़ करो। सो बस इतना ही मैसेज देना था, मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा बंदों ने ना स्किप कर दिया होगा मैसेज को, क्योंकि 2 मिनट खींच गया वैसी चीज़ है। सो बस अब निकलते थोड़ी देर में घर, राइट नो टाइम हो गया है कितना, 4:45, सो 5 बजे तक शायद हम निकल जाएंगे, पापा के साथ वो गुरुद्वारे की रोटी है, सो बस निकलते थोड़ी देर में जब तक बैठे हैं, और मैसेज 2-3 मेरे को क्लिप लेनी है वो ले लेता हूँ। 1 hour later अब मतलब यहाँ पे रुक के अपना अलग व्लॉग बनाएगा, तो जिसको देखना हो इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो देख लेना, बाकी हम सीधा घर निकलते हैं और समोसा वमोसा ला के चाय में बनाते हैं, तो बाय बाय। डायरेक्ट छोड़ के मैं पापा को लेने आ गया था ब्रेड पकौड़े, ये मेरे पास ब्रेड पकौड़े निकल रहे हैं, फिर जाके घर पे चाय बनानी है, पापा बना देंगे, सो बस ब्रेड पकौड़े लेके निकलते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, ये जो नान खाया था उसके बाद कुछ नहीं खाया, सो बस उसके बाद ब्रेड पकौड़े पैक होते हैं, मतलब होते हैं जैसे ही वैसे निकल जाएंगे। घर पे अपनी चाय रेडी है, आप करेंगे इवनिंग का ब्रेकफास्ट मतलब जो भी है, सो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिटिल डेट लेके बाबा हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और जो मैंने मैसेज दिया था उसे ध्यान रखना, हेडफोन्स को लीड्स को अपने अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यूज़ करो बहुत कम, सो मिलते हैं एंड बाय बाय।